हम सबकी चाहत होती है कि हमारे बाल जो हो बेहद लंबे हो, घने भी हो, मुलायम भी हो, लेकिन ये चाहत सभी की पूरी नहीं होती हैं। बहुत ही कम लोग हैं जिनके बाल लंबे भी होते हैं, घने भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती हैं, बाल बहुत ही छोटे पतले बेजान दिखते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बाल भी लंबे हो, बालों में चमक आए, बाल मोटे भारीपन दिखे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपके बालों को बाउंसी करेगी, आपके बालों को मोटा करने के साथ ही आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएंगी और बहुत ही बेनिफिशियल है आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए। जैसा कि मानसून आ चुका है, मानसून आते ही हमारे हेयर फॉल स्टार्ट हो जाती है और हमारे बाल गुच्छों में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। हम बहुत सारे रेमेडी लगाते हैं जिससे कि हमारे बाल ना टूटे, लेकिन आपको सही तरीके से सही रेमेडी लगानी है जिससे कि आपके बालों पे ये वर्क करे। अगर आपके बालों में स्कैल्प में बाल बहुत ही टूट रहे हैं, आपकी स्कैल्प शो हो रही है, बाल वाइट हो रहे हैं, बाल बहुत ही हल्के हो गए हैं, बालों में बहुत ही एक रूखापन आ गया है, बाल बहुत ही डैमेज हो गए हैं, ये सारी समस्या आज की रेमेडी को लगाने से आपकी दूर होंगी। रेमेडी को कैसे बनानी है, कैसे यूज करनी है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी रेमेडी को आपको 1 मंथ के लिए अपने बालों पे लगानी है जिससे कि इसके बेहतर फायदे और रिजल्ट आपको मिल पाए, तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लेना है जिंजर, जो कि आज की रेमेडी में हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ये बहुत ही फास्ट आपके बालों की रिग्रोथ करती है, यानी आपके बाल जो झड़ गए हैं वहाँ पर तेज़ी से नए बाल उगाने में हेल्प करती है। अगर आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं कि जिंजर कितना फ़ायदेमंद है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट होती है कि इससे हमारे बाल वाइट हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, जिंजर हमारे बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है और बहुत ही मेजर है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए। सेकेंड चीज हमें यहाँ पर लेना है हनी, जो कि हम खाने के लिए यूज करते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ, हमारे स्किन, हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे बालों को लंबा करने के साथ ही आपके बालों को मोटा, आपके हेयर फॉल को भी रोकती है, आपके बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी करती है, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होती है जिससे कि आपकी स्कैल्प जो है हेल्दी होते हैं, क्लीन होते हैं। क्योंकि अगर हमारे स्कैल्प हेल्दी रहेंगे तो हमारे बालों की जो ग्रोथ है अच्छी होंगी, नए बाल अच्छे उगेंगे और हमारे बाल मोटे होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपके बालों को नरिश करने के साथ ही आपके बालों को नमी बनाए रखने में हेल्प करती है, आपके जो बाल झड़ गए हैं वहाँ पर नए बाल उगाने में हेल्प करते हैं। और बिल्कुल मैं आपको सही बात बता रही हूँ, आप इसके बारे में जानेंगे तो आप इसे यूज करके देखें कि कितना फ़ायदेमंद है। फिर आपको यहाँ पर लेना है मेथी दाने, पहले मैंने आपको बताया जिंजर लेना है, हनी लेना है, फिर आपको यहाँ पर लेना है मेथी दाने। इसके बारे में जितना आपको बोलूं उतना ही कम है। ये हमारे बालों पे मैजिक की तरह काम करती है। मानसून में होने वाले हेयर फॉल के लिए मेथी दाने बेहद ही फायदेमंद है, तो आपको यहाँ पे मेथी दाने लेने हैं। आपको 1 चम्मच के करीब यहाँ पे मेथी दाने लेने हैं। इसे आपको रात भर के लिए भिगो के रख देना है, क्योंकि इसके पानी को हम इस रेमेडी में यूज करने वाले हैं जो कि आपके बालों को, जड़ों को मजबूती देंगी, बालों की ग्रोथ को बढ़ाएंगी, हेयर फॉल को रोकेंगी और प्लस आपके बालों को मनचाहा लंबाई देने में हेल्प करेंगे। क्योंकि मेथी दाने के पानी हमारे बालों के लिए बेहद ही फायदेमंद होती है और आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ इससे आपके बाल बहुत ही फास्ट ग्रो होंगे, लंबे होंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इसके लिए आपको क्या क्या लेने हैं। अब इसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जिंजर लेना है, इसे आपको ग्रेट कर लेना है, यानी कद्दूकस कर लेना है, और इसका आपको जूस लेना है। ये जूस हमारे बालों को रिग्रोथ के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आपके बाल हैं कितने भी झड़ चुके हैं वहाँ पर नए बाल 100% उगने स्टार्ट हो जाएंगे इस रेमेडी को लगाने के लिए। और जो हमने मेथी को भिंगो के रखा था, आपको इस जिंजर के जूस में उस पानी को मिला देनी है, यानी आपको यहाँ पे 3 से 4 चम्मच यहाँ पर लेना है जिंजर जूस। मैं यहाँ पे अपने बालों के हिसाब से बता रही हूँ, अगर आपके बाल कम है, छोटे हैं तो आप यहाँ पर इसकी क्वान्टिटी कम, या ज़्यादा बाल लंबे हैं तो बढ़ा भी सकती हैं। फिर आपको यहाँ पर मेथी के पानी को अच्छे से इसमें मिला देनी है। फिर हमें यहाँ पर लेना है हनी, आप यहाँ पे किसी भी ब्रांड की ले सकती हैं। मैं यहाँ पे डाबर की यूज कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छी होती है। आप यहाँ पे किसी भी ब्रांड की ले सकती हैं। आपको 1 स्पून यहाँ पर लेना है हनी, अच्छे से आपको इसमें मिलानी है जिससे कि इसमें कोई भी लंग्स ना रहे, अच्छे से आपस में मिल जाए। तो बस आपको अच्छे से इसे मिलाना है और इसी को अपने बालों पर आपको अप्लाई करना है, लेकिन इसे आपको अपने क्लीन हेयर पर यूज करना है। आपको गंदे बालों पर इसे या ऑयलिंग के बालों पर नहीं लगाना है, नहीं तो इसकी गुडनेस ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि
समर का टाइम है, हमारे स्कैल्प में पसीना निकलना स्टार्ट होता है, हमारे बालों में बहुत ही डस्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए पहले अच्छे से आपको बालों को धो लेना है, फिर इस रेमेडी को अपने बालों पर लगाना है। आपको इसे 1 घंटे के लिए अपने बालों पर लगा के छोड़ देनी है, हल्के हाथों से मसाज करनी है। अगर बाल बहुत ही टूट रहे हैं तो केवल 5 मिनट के लिए आपको मसाज करनी है। अगर आपके बालों के टूटने की समस्या नहीं है तो आप 10 मिनट के लिए इसे मसाज करें, 1 घंटे के लिए अपने बालों पर लगा के छोड़ दें, फिर अपने बालों को अच्छे से आप धो लें। हफ्ते में आपको 2 बार इस रेमेडी को लगानी है बालों को लंबा करने के लिए। ये बहुत ही पावरफुल है आपके बालों की रिग्रोथ के लिए, इसलिए हेयर फॉल को रोकना है तो इस रेमेडी को एक बार आप लगा के ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छे फायदे मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।